पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओफान नाइन्थ डेट फॉक्स डीमन के पास आ गया होता है, जो वहां पर आते साथ ही शाओफान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट दे देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शाओफान ने उसके बेटे यानी कि सिक्स्थ डेट फॉक्स डीमन की जान ली है। लेकिन जब शाओफान इसे सच्चाई बताता है तो नाइन्थ फॉक्स डीमन भी समझ चुकी थी कि इसमें शाओफान की कोई गलती नहीं है। तब नाइन्थ फॉक्स डीमन की ऐसी हालत देख कर शाओफान जो होता है उसे वहां पर आजाद कर देते हैं, क्योंकि फेंशन वेरी वार्डो ने उसे काफी साल से यहाँ पर कैद करके रखा था और शाओफान की वजह से नाइन पे फॉक्स डीमन अब वहाँ पर आजाद हो चुकी होती है, जिसे देखकर तो पूरी के पूरे फेंशन बैडी वाइलो एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर इसे किसने आजाद कर दिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वहाँ पर नाइन पे फॉक्स डीमन आजाद हुई थी, शंगवान का महल टूटने लगता है, इसलिए नाइन पे फॉक्स डीमन शाओफान को वहाँ से बचाकर महल के बाहर लेकर आती है, वरना पे उसमें दबकर हो सकता है कि शाओफान की यहाँ पर जान चली रही होती। दूसरी तरफ फेंशन वैल्यू वाली लव एकदम ज्यादा घबरा चुके कि अब वो करे तो करे क्या। एक तरफ उनके सामने सी मॉन्स्टर थे तो दूसरी तरफ अब नाइन बेड फॉक्स डीमन दी आ चुकी होती है। इसके लिए वन ऑफ वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबसे पहले सी डीमन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां उन्होंने उसके ऊपर आर्टिड बारिश कर दी थी ताकि सारे के सारे सी मॉन्स्टर वहां पर खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी सी डीमन यहां पर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। तब जाते फेंशन वैली का जो वो सीनियर होता है उसने वहां पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था। जैसे वो स्वॉर्ड अपनी जमीन पर मारता है, उड़ी की पूरी जगह वहां पर पहस नहस होने लगती है, जिसके बाद सीनियर ने वहां पर अपने पाइथन को भी बुला दिया था ताकि इस्तेमाल करते हुए वो सारे डिफेंड फी मॉन्स्टर का खेल यहाँ पर खत्म कर दे। अब वो जो पाइथन होता है देखते ही देखते वहां पर जितने भी सी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को एक एक करते हुए खाते जा रहा होता। कोई भी सी मॉन्स्टर वहां पर उस पाइथन का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वहीं चेन भी वहां पर अपनी स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जहां उसने अपनी मल्टीपल स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल किया था और उसका इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। लेकिन सी मॉन्स्टर यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे, वो लोग यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा रहे होते कि चले आज हम यहाँ पर मर ही क्यों ना जाएं, हम तो यहाँ पर फेंशन वैली वालों को नहीं छोड़ेंगे। देखते ही देखते वहाँ पर फेंशन वैली वालों ने अपने स्पिरिचुअल बर्ड को भी वहाँ पर बुला लिया था, जो वहाँ पर आते साथ ही आग की बारिश करना शुरू कर देते हैं। वो आग की बारिश इतनी खतरनाक थी कि जो भी सी मॉन्स्टर उसके लपेटे में आता वो वहीं पर मारा जा रहा होता है। देखते ही देखते सी मॉन्स्टर की वहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब यहाँ पर खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। इसलिए जो बच्चे कुछ सी मॉन्स्टर थे वो इधर उधर अपनी जान बचा के भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन सीनियर और बाकी सारे डिसाइपल मेकर उन लोगों को वहाँ से भागने ही नहीं देते। दूसरी तरफ शाओफान इसी तबाही से होकर वहाँ से दूर भाग रहा होता है ताकि वो थोड़ी दूर आकर इस तबाही से बच सके। तब उसे एक जंगल दिखाई देता है जहाँ पर सब कुछ शांत था, इसलिए शाओफान वहाँ से उस जंगल में आ जाता है। उसी के पीछे वहाँ पर नाइन टेल फॉक्स डीमन भी आ चुकी थी। नाइन टेल फॉक्स डीमन के सामने तो शाओफान बिल्कुल छूटी जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वहाँ पर जो नाइन टेल फॉक्स डीमन होती है वो अपने ह्यूमन फिगर में आने की कोशिश कर रही थी ताकि वो खुद को भी एक ह्यूमन बना सके, जिसके बाद वो आसानी के साथ इधर उधर जा पाएगी। जैसे जैसे वो खुद को ह्यूमन बना रही होती शाओफान तो बस उसे देख ही जा रहा था। वो की पूरी जगह पर नाइन टेल फॉक्स डीमन जो होती है उसका ऑरा फैल चुका था, उस ऑरे के अंदर वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, कोई उसे देख तक नहीं पा रहा होता है और उसी ऑरा के अंदर वो खुद को ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब से वो कैद थी तब से वो खुद को ह्यूमन नहीं बना पाई थी और अब जाकर उसे मौका मिल रहा है वापस से खुद को ह्यूमन फॉर्म में लाने का। तब शाओफान जो होता है वो खुद भी वहाँ से अपनी नजर से हटा लेता है ताकि वो देख न सके कि किस तरह से यहाँ पर वो ह्यूमन फॉर्म में आ रही है। और जब वहाँ पर नाइन टेल फॉक्स डीमन अपने ह्यूमन फॉर्म में आती वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। शाओफान अपना जो ऊपर से उसने जैकेट पहना होता है उसे निकाल कर सीधा नाइन टेल फॉक्स डीमन को दे देता है, क्योंकि जब वो ह्यूमन फॉर्म में आई थी तो उसके पास कोई भी कपड़े नहीं थे। इसलिए नाइन टेल फॉक्स डीमन वहाँ पर उसका शुक्रिया करते हुए उसका जैकेट ले लेती है और जैकेट पहनने के बाद वो शाओफान से कहती अब तुम पीछे मुड़ सकते हो। शाओफान जैसे उसे देखता है वो तो वहाँ पर उसे देखते ही रह जाता है। उसके बाद तो शाओफान का जो बंदा था वो भी भागते हुए नाइन टेल फॉक्स डीमन के पास आ रहा है ताकि देख सके कि क्या सच में ये वही फॉक्स डीमन है, ये इतनी ज्यादा सुंदर कैसे बन गई। इसलिए फॉक्स डीमन जो होती है वो भी शाओफान के बंदर को अपने हाथ में उठा लेती है और उससे कह रही होती है ना तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुमने भी शाओफान के साथ मिलकर मेरी काफी मदद की है, तुम दोनों की वजह से ही आज मैं यहाँ पर कई सौ साल बाद आजाद हो चुकी हूँ। शाओफान वहाँ पर वो सारी चीजें सोच रहा होता है जो उसने शेंगवान का जो महल था उसकी दीवारों पर देखा था, वही स्केचेस वगैरह जिसके अंदर किसी तरह के रिचुअल के बारे में लिखा था उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा किया जा सकता है। वो उन सारी चीजों को सोचकर वहाँ पर ये याद कर रहा होता है कि क्या मैं उस चीज का इस्तेमाल करते हुए ब्याव को वापस जिंदा कर सकूं। वो यही सब चीजों के बारे में यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो फॉक्स डीमन से पूछ सके कि क्या वो रिचुअल सही थे, उसका इस्तेमाल करते हुए किसी को जिंदा किया जा भी सकता है या फिर नहीं। इसलिए वो वहाँ पर कुछ नहीं कहता। फॉक्स डीमन वहाँ पर शाओफान से कह रही थी शाओफान मुझे सिक्स टेल फॉक्स डीमन से मिलना था,
लेकिन वो तो अब नहीं हो सकता, तो क्या तुम मुझे उस जगह पे ले जा सकते हो जहाँ पर सिक्स टेल फॉक्स डीमन मरा था, या फिर तुम उसके बारे में मुझे बता दो तो मैं खुद से वहाँ पर चली जाऊंगी। ऐसे शियाफान उससे उस जगह के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ से थोड़ी दूर तुम्हें एक सिटी मिलेगी, उसके अंदर एक छोटा सा टाउन है, वहीं पर एक केव होगा और केव के एकदम गहराई में जाओगे तो वहाँ पर लावा का समुंदर होगा। वहीं पर जाकर सिक्स टेल फॉक्स डीमन जो था वो मर गया था। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या मुझे सिक्स टेल फॉक्स डीमन का दिया वो जो पावरफुल मिरर है वो इस फॉक्स डीमन को वापस कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउट में होता है कि क्या मैं इसे वापस करूँ या ना करूँ। दूसरी तरफ फेंगशन वैली के अंदर जहाँ पर शेंगवान का जो महल टूटा था ना, उसके अंदर से कई सारे आग के गोले बाहर निकल रहे होते हैं। वो यहाँ पर सी मॉन्स्टर के साथ साथ तो फेंगशन वैली को भी पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे, इसलिए फेंगशन वैली वाले लोग इधर उधर भागना शुरू कर दे रहे ताकि वो लोग यहाँ पर अपनी जान बचा सके, वरना तो कुछ ही टाइम के अंदर ये पूरी की पूरी फेंगशन वैली ही खत्म हो जाएगी। इतनी ज्यादा आग के गोले वहाँ पर जल रहे थे। वही हम शेंगवान को भी देखते हैं जो अपने महल के पास ही आकर खड़ा था, लेकिन वहाँ पर तो उसका पूरा महल खत्म हो चुका था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। वो सोच रहा होता है कि जिसने भी यहाँ पर ऐसा किया है ना, वो मेरे सामने एक बार आ जाएगा, उसी टाइम उसकी जान ले लूंगा। तब वहाँ पर फेंगशन वैली का जो सीनियर होता है वो वहाँ पर आता है और आने के बाद शेंगवान से कहता होता है, सीनियर कई सारे सी मॉन्स्टर मारे जा चुके, कुछ भाग गए थे तो उनके पीछे वो फीमेल डिसेबल रही है जो हमारे फैक्ट की एक खास डिसेबल है, हमें उसे लदा दिया है ताकि वो बचे हुए सी मॉन्स्टर की जान ले सके। लेकिन ये सुनकर शेंगवान कह रहा होता है, तुमने पता है तुमने यान होंग नाम की लड़की को भेजा है ना, मुझे उस लड़की पर बहने से डाउट लग रहा था कि शाम हो सकता है कि वो पिंग के कंट्रोल में होगी, लेकिन मैंने उसे देखा था जब वो सी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर ली थी तो उसके पास उसके पंक्टिवेशन पावर जितनी होनी चाहिए भी उससे ज्यादा मैंने देखी थी, जिसका मतलब साफ था कि जरूर कोई ना कोई उसे कंट्रोल करना था, या फिर हो सकता है पिंग वो खुद ही हो जो अपना रूप बदल के यहाँ पर आई हो। लेकिन छोड़ा भी ये सारी बात, मुझे अभी कुछ और भी बहुत जरूरी काम है, मुझे किसी और चीज का पता लगाना है, इसलिए मैं अभी यहाँ से डैनी मास्टर के पास जा रहा हूँ ताकि इससे कुछ बात कर सकूँ। और तक कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक किसी मिस्ट्रियस बंदे को देख पे जबकि ह्यूमन कम डीमन ज्यादा दिखाई दे रहा था, उसके अंदर से काफी अजीब सा मिस्ट्रियस ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वो कह रहा था शेंगवान का तो यहाँ पर फॉर्मेशन टूट गया और देखो नाइन टाइप फॉक्स डीमन भी आजाद हो चुकी है और अभी यहाँ पर ये फंक्शन बनी भी बर्बाद हो रही है। देखता हूँ मैं कि आखिर तुम्हारा अगला प्लान क्या होने वाला है। देखते ही देखते तुम्हारे सारे के सारे प्लान यहाँ पर बर्बाद होते जा रहे हैं। पर ये मिस्ट्रियस बंदा था कौन और ये असल में चाहता क्या, इसके बारे में अन्य भी कुछ भी नहीं बताया जाता। दिस इज अ शियाफान में वो पावरफुल मिरर को फॉल्स डीमन को दे दिया होता है, जिससे लिमी के बाद वो शियाफान से कह रही होती है, तुम्हें पता है ये जो है ना इन बहुत ही ज्यादा सुप्रीम आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर हीवन ऑफ अर्थ की पावर को डाला गया है। इसके अंदर गोल्डन और फायर एलिमेंट की पावर है जो की इफ सबसे ज्यादा सुप्रीम बनाता है। इसके अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी बड़े से बड़े फॉर्मेशन या कुछ भी चीज क्यों ना उसके सामने आ जाए वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी तो पूरी फ्रेंडशन वैल्यू इस मिरर के पीछे पड़ी हुई थी जो कि अब तुम्हारे पास था तो क्या तब भी तू मुझे इसे गिनना चाहते हो। इस पर शियाफान कह रहा होता है लपनल से वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे बेटे की निशानी भी तो ये तुम्हारी याद कहाँ आएगी, पर जो चीज मुझे चाहिए ना वो ना तुम दे सकती हो ना ही कोई और मुझे दे सकता है। वो यहाँ पर ब्याह के बारे में ही बात कर रहा था लेकिन वो खुल के नहीं बताता फॉक्स डीमन को कि वो ब्याह के बारे में कह रहा है। जो सुनकर फॉक्स डीमन जो होती है वहाँ पर हफ्ते हुए शियाफान से कह रही की बड़ी बढ़िया लाइन कही तुमने, जो सुनकर तो मैं हैरान भी हूँ और मेरी हंसी भी निकल रही है। तुमने पता है तभी 300 साल हो चुके, देखो 300 साल से यहाँ पर क्या थी, 300 साल है मैंने कभी सूरज को निकलते हुए नहीं देखा, वो भी इसलिए कि कब मैं अपने बेटे को देख पाऊंगी। मैंने वहाँ से बहुत भागने की कोशिश की और जब मुझे मेरे बेटे के बारे में मालूम पड़ा तो वो तो जिंदा है ही नहीं, तो आखिर मैं इस मिरर का क्या करूँ, रख लो तुम ही इसे, उसने आखिरी बारी इसे तुम्हें दिया था तो तुम ही इसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए ये। शियाफान उससे कहता है तुम 300 साल तक के यहाँ पर कैद थी तो तुम क्या इसका बदला नहीं लोगी, फेंगशन वैली वालों से। जिस पर फॉक्स डीमन कह रही होती है बात तो तुम सही कह रहे हो लेकिन जब मैं बाहर निकल कर आई हूँ ना इस दुनिया को देख कर मुझे पता चला कि मैंने 300 साल बस इस पावरफुल मिरर के पीछे ही गुजार दिए, इसके इंतजार में जो चीज अभी हो ही नहीं सकती, मैं अपने बेटे को कभी दोबारा वापस में हासिल कर पाऊंगी, इसका मैंने डिसाइड किया है कि जो जिंदगी अब मुझे यहाँ पर मिलनी है मैं उसी में खुश रहूं और खुद को इसमें ढालने की कोशिश करूं। मेरे पास कुछ सुनहरी यादें हैं अपने बेटे के लिए जिनमें मैं याद करते हुए अपने आए की जिंदगी गुजार सकती हूँ। दूसरी तरफ शेंगवान वैली मास्टर के पास आता है, जहाँ पर आने के बाद तो वैली मास्टर भी उससे कह रहा था अरे शेंगवान तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। जिस पर शेंगवान कहता है उन मॉन्स्टर को जिसने भी भड़का है ना वो असल में पिंगर थी, उसी ने यहाँ पर मॉन्स्टर के लीडर को मार दिया, इसलिए से सभी भड़क चुके हुए, लेकिन पिंगर भाग चुकी है हम उसे नहीं पकड़ पाए। उस वैली मास्टर कह रहा होता है देखो वो भाग गए तो अभी उसका नेक्स्ट साइड करो, क्या उन सी मॉन्स्टर को इस बारे में पता चला कि हम यहाँ पर असल में क्या कर रहे थे, उन्हें हमारे असली प्लान के बारे में खबर तो नहीं लग गई ना।
जिस तरह शैम गुआन कह रहा होता है जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद नहीं उन्हें अभी तक की कोई खबर नहीं लगी होगी, लेकिन आखिर वो इंसान कौन था जिसने फॉक्स डीमन को आजाद किया? तुम तो कह रहे हो कि पिंगदा भाग चुकी हुई थी, जब वो भाग गई तो फॉक्स डीमन कैसे आजाद हुई? जिस पे शैम गुआन कह रहा होता है मुझे लगता है कि लुक ऑफल नीलनार इसी और बंदे के पास होगा, उसी ने जाकर उस फॉक्स डीमन को आजाद किया है। पिंगदर और वो सकता है कि आपस में मिले हुए हों और उन दोनों का ये प्लान रहा होगा। जो समा वैली मास्टर कह रहा था, अब ये सारा मैटर मैंने तुम्हारे हाथ में ही सौंप दिया है, चाहे सौंप दर्द इंसान या निर्दोष इंसान को लौट डालो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफिन में जिसने ये किया है उसे मरना ही होगा। मुझे जस दिन इसकी खबर चाहिए कि वो इंसान मरा या नहीं मरा जिसने उस फॉक्स डीमन को आजाद किया है। जिस पर शैम गुआन से हाँ में जवाब देते थे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैली मास्टर कह रहा था, शैम गुआन तुम खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो, लेकिन हर बात तुमसे ही गलती होती है, तुम किसी चीज को नहीं संभाल पाते हो। आज देखो फॉक्स डीमन भी तुम्हारे कंट्रोल में थी, लेकिन तब भी वो हाथ से निकल गई। इधर शैम गुआन उस सीनियर को वहां पर बुलाता है और उससे कहता है, जितने अपने आदमी हो सकते उन सभी को निकालो, हमें उस इंसान का पता लगाना है जिसने भी फॉक्स डीमन को आजाद किया। वैली मास्टर ने ऑर्डर दिया कि हमें जल्द से जल्द उस इंसान को मारना होगा, वरना वो हमें से किसी को नहीं छोड़ने वाले। उसी के साथ साथ मुझे पिंगबेर भी चाहिए, उसे तो मैं अपने हाथों से ही मारना चाहता हूँ। जाओ और दोनों को पकड़ के लाओ, जिस पर वो सीनियर मान जाता है। दूसरी तरफ जैसा कि शैम गुआन ने सोचा था, 110% वही चीज वहां पर हो जाती, क्योंकि जान होंग लड़की जो भागी थी ना, वो असल में यान होंग में ही थी, बल्कि वो पिंगबेरी थी जो उसका भेज बदल के काफिक डैम से फेंशन वैली के अंदर ही मौजूद थी, ताकि उन सभी को प्लान जान सके। और प्लान जानने के बाद वो बड़ी आराम से फेंशन वैली से बाहर भी निकले के राबे और किसी को शक्त नहीं हुआ। लेकिन बाहर आने के बाद वो कह रही कि ये बूढ़ा शैम गुआन तो साजिश का इंजाम निरुपति लगा रहा है, जबकि इससे पता नहीं कि फॉक्स डीमन को आजाद करने वाले तो शेरफान था। वही मुझे देख कर उसे मार मारा रहे। दूसरी तरफ शेरफान अब भी फॉक्स डीमन को वापस से वो मिरर गिर रहा होता है, लेकिन वो नहीं रहती और शेरफान से कहती है, इधर पता है कि दुनिया में काफी सारे डीमंस और भी मौजूद हैं और कई सारे खतरे भी होंगे, जिन खतरे ने तुम्हारी आदत से कर हो सकता है ये मिरर मगध भी कर दे, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तुम्हारी खुद की इवन पावर। जब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना, तो तुम्हारा खुद पर भी होश नहीं रहता, वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। इसके मेरे ख्याल से तुम्हें अपना जो स्टिक है ना, उसे सबसे पहले फेक भी मैच चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा इवन पावर भरी हुई है। लेकिन शेरफान उससे कह रहा होता है, तुम यहाँ पर गलत हो, अगर ये स्टिक मेरे पास में नहीं होती ना, तो मैं आज इस टाइम तक के जिंदा भी नहीं बचा होता। इससे भी मेरी काफी टाइम तक की मदद की है हर खतरों से लड़ने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सबसे खतरनाक इवन चीज जो है वो ये स्टिक है? नहीं, जबकि दुनिया की सबसे खतरनाक और इवन चीज है वो इंसानों पर डिनर, इंसान ही सबसे ज्यादा इवन होते हैं, तो इवन चीज की तो बात ही छोड़ दो। वो यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि बियाओ को इंसानों में नहीं तो मारा था। तब आखिरकार वहां पर शेरफान जो होता है फॉक्स डीमन से कहता है, सीनियर आप में से काफी ज्यादा नॉलेज रखती है ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ऐसे बंदे की से सोर्ड मौजूद हो और उसकी बॉडी पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो, वो जरा सा होश में ना हो, तो क्या उसे वापस ठीक किया? वो बियाओ के बारे में यहाँ पर फॉक्स डीमन से पूछ रहा था। यह सुनकर फॉक्स डीमन जो होती है उससे कहती है, हाँ एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता क्या है और क्या उसका इस्तेमाल करते थे शेरफान बियाओ को वापस जिंदा कर पाएगा, यह अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सिंह दिखा पे थी ये एपिसोड ही पर हैंड हो जाता।